वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम बना रहे हैं आलू चिप्स। आलू चिप्स हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, गर्मी की छुट्टियों में मम्मी की हेल्प करते थे, लेकिन आज हम इसे अपने ससुराल में भी बना रहे हैं। यहाँ भी मेरी जो ननंद है वो बचपन से बनाते आ रही हैं और मेरी सासू माँ भी बनाते आ रही हैं, तो चलिए सबके साथ मिल के बनाते हैं आलू चिप्स। आलू चिप्स हम यूजुअली गर्मी के टाइम में ही बनाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आलू चिप्स बहुत अच्छे से सूख जाते हैं और हम नए आलू भी यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। जब भी हम आलू चिप्स बनाते हैं एक ही बार में 15 किलो या 20 किलो आलू यूज़ करते हैं, ताकि हम इसे साल भर यूज़ कर सकें, लेकिन इस टाइम हम केवल 7 किलो का बना रहे हैं, क्योंकि मैं इसे अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। अभी हम आलू चिप्स बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में और मैं रहती हूँ हिमाचल प्रदेश में, तो मैं इसे हिमाचल प्रदेश लेके जाने वाली हूँ। तो आलूओं को छीलकर हमने एक टब में डाल दिया है। इसे पानी में रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। अब इस तरह का ये जो स्लाइसर है उसकी मदद से हम आलू को स्लाइस कर लेंगे। इस स्लाइसर में थोड़े मोटे आलू चिप्स निकलते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। पतले पतले आलू चिप्स कुरकुरे हो जाते हैं और जल्दी घुल जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग लगे हुए हैं आलू चिप्स बनाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा टाइम टेकिंग वाला काम होता है। इसका प्रिपरेशन हमें एक दिन पहले करना होता है। हम रात में ये कर रहे हैं और इसे हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे और सुबह हम आलू चिप्स बनाएंगे। आलू चिप्स हम कैसे बना रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि कुछ स्टेप आप अगर मिस कर देंगे तो आलू चिप्स जो हमारे हैं वो या तो कुरकुरे नहीं होंगे या फिर वो काले पड़ जाएंगे। तो हमने बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स डाले हैं जिससे आपके आलू चिप्स हैं वो जो वाइट दिखेंगे और बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनेंगे। आलू के छिलके के भी बहुत सारे यूज़ेस होते हैं, आप इसे फेंकिए मत। अगर आपके पास बहुत सारा ऐसा कलेक्ट हो गया है आलू का छिलका, तो आप उसे हेयर पैक बना सकते हैं और पूरी फैमिली यूज़ कर सकती है, और साथ ही साथ आप फेस पैक भी बना सकते हैं। ओके, तो जो 7 किलो आलू था उसको हमने छील कर स्लाइस करके तैयार कर लिया है। अब जो आलू चिप्स है उसको हम पानी से 2-3 बार धो लेंगे अच्छे से, ताकि इसके अंदर का स्टार्च निकल जाए। याद रखिए, जब भी आप आलू चिप्स को या आलू को भिगाते हैं तो हमें इतने पानी में भिगाना चाहिए ताकि उसको बहुत सारा स्पेस मिल सके इधर उधर घूमने के लिए। अब इन स्लाइस किए हुए आलू को हम 2 बर्तन में अलग अलग रख लेंगे, ताकि इनको थोड़ा स्पेस मिल सके, और हम इसे रात भर के लिए रखने वाले हैं। उससे पहले हम इसमें मिलाएंगे फिटकरी, जिसे इंग्लिश में एलम कहते हैं, जिसके कारण ये थोड़े वाइट दिखेंगे और बहुत ही अच्छा उसमें एक टेक्सचर आ जाएगा। ओके, तो सुबह हो चुकी है, अब हम इसे चूल्हे में बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम आग जला लेते हैं। इसके लिए आपको एक बड़ा बर्तन लेना होगा जिसमें आपको पानी उबालना होगा। हम इसे 2 स्लॉट में बनाने वाले हैं, तो चलिए हम उसमें डाल देते हैं नमक और डाल देते हैं लाल मिर्च अपने स्वादानुसार। हम इस पानी को टेस्ट करके देखेंगे और नमक और लाल मिर्च का स्वाद मुँह में आना चाहिए, इतना हम उसमें नमक और लाल मिर्च डाल देंगे। स्लाइस किए हुए आलू में फिटकरी डालने से ये थोड़े कड़े हो जाते हैं, तो पकने में थोड़ा टाइम लगता है। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तभी हम डालेंगे आलू चिप्स को और उन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। आपको फिटकरी का जो औषधीय गुण है वो तो पता ही होगा कि ये एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, जिसकी वजह से जब मेंस दाढ़ी बनाते हैं तो उसके शेविंग के बाद इसे यूज़ करते हैं। और ये तो पता ही होगा आपको कि गंदे पानी में फिटकरी डालने से पानी की गंदगी अलग हो जाती है, तो इसके लिए हमने इसे यूज़ किया है। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो हमारे आलू चिप्स पककर हो गए हैं तैयार। हम इसे पानी से अलग कर लेंगे। पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये आसानी से टूट रहा है या नहीं। ये जब आसानी से टूट रहा है मीन्स ये हो गए हैं रेडी। इसे हमें ज़्यादा भी नहीं पकाना है और कम भी नहीं पकाना है, तो इस तरह से हम इसे परफेक्ट पका लेंगे।
तो अब दूसरा स्लॉट बनाने के लिए हम उसी पानी का यूज़ करेंगे। उसमें अगर चाहिए तो थोड़ा नमक और लाल मिर्च और डाल सकते हैं। फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और जो बाकी जो आलू चिप्स तैयार हैं उसे हम सूखने के लिए छत पे डाल देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम छत पे आ गए हैं, ये आसानी से टूट गया है। इस तरह से आप उसे चेक कर लेंगे। एक बार फिर से हम बता देते हैं, तो चलिए इसे सुखा लेते हैं। दो साड़ियों को फोल्ड करके हमने इसे सील लिया है। उसके बाद हम इसके कोनों कोनों में पत्थर लगा देंगे ताकि ये हवा में उड़ के ना जाए, और यहाँ पर हम आलू चिप्स को फैला देंगे। अब आलू चिप्स को हम एक एक करके फैला लेंगे। उन्हें एक एक करके फैलाना इसीलिए होता है, नहीं तो वे जो आलू चिप्स हैं वे दो आपस में चिपक जाएंगे, जो कि निकलेंगे नहीं बाद में सूखने के बाद। इसीलिए इन्हें एक एक करके अलग अलग रखना होता है। ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग वाला काम है। अगर दो तीन लोग एक साथ हो तो ये आसानी से बन जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा भी बना सकते हैं। आलू चिप्स पानी में उबलते टाइम अगर वो कम उबले हैं, कच्चे रह गए हैं थोड़े, तो वे तलने के समय अच्छे से फूलता नहीं है और स्वादिष्ट नहीं लगता, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ साबूदाना के पापड़ भी बनाए थे, तो उसकी रेसिपी भी हम अपलोड कर देंगे। तो ये देखिए हमारे जो आलू चिप्स हैं वो सूख कर हो गए हैं तैयार। अब हम इसे पॉलीथीन में भरकर किसी डिब्बे में रख कर इसे सालों साल यूज़ कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। बारिश के मौसम में आलू चिप्स खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए हम इसे चाय के साथ थोड़ा सर्व कर लेते हैं। तो हम बना लेते हैं चाय, उसके बाद हम आलू चिप्स तलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी आलू चिप्स खा लीजिए और चाय पी लीजिए। तो चलिए आलू चिप्स को भी तल लेते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा यूज्ड ऑयल लिया है, इसीलिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी अभी जलेबियाँ बनाई थी। तो जलेबी की रेसिपी भी हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो ये देखिए जो हमारा आलू चिप्स है वो कितना अच्छा वाइट कलर का हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसका मज़ा लेते हैं। ओके, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने चाय और चिप्स के साथ। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि आपको ये कैसी बनी है। बारिश के मौसम में ये जो चाय और चिप्स है, ओह माय गॉड, बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो चलिए बारिश भी करा लेते हैं। आलू चिप्स को और भी टेस्टी बनाने के लिए आप उसके ऊपर चाट मसाला पाउडर भी छिड़क सकते हैं। तो ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।